फ्रेंड्स, सीटेट का फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। किसी ने भी अभी तक पूरा नहीं बताया है तो मैं इसमें पूरा आपको शुरू से लेकर अंत तक पेमेंट तक बताने वाला हूं। सबसे पहले सरकारीresults.com पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप गूगल पे लिख के या क्रोम पे लिख के सर्च कर लीजिएगा, इस तरह से खुल के आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ आप सीटेट दिसंबर 2021 पे ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करके इससे सीधा आप लोग वहाँ लिंक पर जा सकते हैं। तो ये फेस आने के बाद आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पर क्लिक कर लेंगे और ये हम लोग सीटेट फॉर्म भरने के लिए मेन पेज पे आ चुके हैं। तो इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्ट भी उस लिंक से यहाँ विज़िट कर सकते हैं। ये सरकारी रिजल्ट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, तो इस तरह से सीधा चलेगा। डेस्कटॉप साइट पर कर लेते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, यहाँ नहीं जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से सरफेस आ जाएगा आपके सामने। ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो सिलेबस उसका जो आया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पहले ही आप लोग पढ़ चुके होंगे, इस पर टिक करके और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से अब आपके सामने ये फेस खुल के आ जाएगा और इसमें आप लोगों को पूरा डिटेल भरना है। ये फर्स्ट समझिए कि स्टेज है, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब सारा चीज़ होगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिखिएगा, फादर्स नेम लिखिएगा, मदर्स नेम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, उसके बाद आप जेंडर अपना सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी देना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड, और उसका नंबर देना होगा यहाँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें जो है अपना एड्रेस डालना है आप लोगों को, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारा चीज़ डाल के ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप लोग एकदम सही दीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ओटीपी आने वाला है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, सेम अगर है तो सेम है, अगर अलग है तो अलग इसमें भर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को एक पासवर्ड बनाना होगा, उसको कन्फर्म करना होगा। तो इस तरह से आप लोग पासवर्ड को जो है, से पहले पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, उसी को रिपीट कीजिएगा दोबारा, और उसके बाद जो है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि आपका पहला स्कूल कौन था या आप कौन सा गेम पसंद करते हैं, उसका सिक्योरिटी आंसर डालना है, और उसके बाद नीचे जो है पिन जो होगा उसको डाल के उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। यहाँ इस तरह से आ जाएगा आपके पास अब नेक्स्ट पेज। इस पर आप लोग अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, वोटर आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे और टिक करते चलेंगे हर एक बॉक्स पे। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, ये सारा चीज़ देख लेंगे और टिक करते जाएंगे। अगर कुछ गलत होगा तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके फिर उसको सही कर सकते हैं। इसमें मेरा सही है सभी, तो इस पर मैं सभी पे क्लिक कर दे रहा हूँ, टिक कर दे रहा हूँ, और उसके बाद आई एग्री पे टिक करना है, और उसके बाद आप लोगों को सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे टिक करना होगा। तो इन सभी को चेक कर लीजिएगा अच्छे से ताकि कोई गलती नहीं हो। आई एग्री पे टिक करके उसके बाद सबमिट पे कर देना, उसके बाद ये हाँ यस नो आएगा, यस कर देंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, ये खुलेगा, थोड़ा वक्त लग रहा है, ये खुल के जैसे ही आएगा आप लोगों को दो ओटीपी आ चुका है, वो दोनों ओटीपी क्लिक करके और कन्फर्म करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स दिख रहा होगा, कुछ सारा डिटेल आ जाएगा आपका। उसके बाद कुछ चीज़ें से यहाँ सेलेक्ट करना होगा, जैसे नेशनलिटी, कैटेगरी, उसके बाद है आप PWD हैं या नहीं है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप बेरोजगार हैं मेरी तरह तो अनएम्प्लॉयड पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अप्लाई फॉर, अगर बोथ पेपर के लिए होगा तो बोथ पेपर कर लीजिएगा, पेपर वन या टू के लिए होगा जो होगा उसको कर लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दो देता है, एक होता है कि आप डिग्री हैं तो डिग्री, डिप्लोमा होल्डर हैं तो डिप्लोमा होल्डर, दोनों में से कोई एक पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को मीडियम ऑफ क्वेश्चन चुनना है, तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, जो आप चुनना चाहते हैं वो चुन लीजिएगा। उसके बाद आपको च्वाइस करना है सेंटर, ठीक है, सेंटर में पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस स्टेट का सिटी। उसी तरह तीन चार बार आप लोग अगर सेम स्टेट चारों में चुनना चाहते हैं तो सेम स्टेट भी चुन सकते हैं, लेकिन शहर अलग अलग चुनना होगा, या अलग अलग स्टेट चुनना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहर चुन सकते हैं।
उसके बाद अपना जो है सो एजुकेशनल डिटेल्स आप लोगों को डालना है, आप पास हैं तो पास्ट पे, नहीं हैं तो अभी अपियरिंग पे डालिएगा यानी सेकेंड ईयर वाला। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद कोर्स और स्ट्रीम नेम, उसके बाद जो है बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद रिज़ल्ट मोड, ठीक है, परसेंटेज में ही दिया हुआ होगा तो ये डाल देंगे, उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट का पिन कोड, ठीक है। उसके बाद डिग्री इन एजुकेशन था मेरा, तो उसमें जो है ये आपको पास स्टेटस सेलेक्ट करना है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद कोर्स स्ट्रीम नेम, उसके बाद जो है बोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद रिज़ल्ट मोड और इंस्टीट्यूट का पिन कोड, ये डाल के, और उसके बाद आप लोगों को सिक्योरिटी पिन जो नीचे है वो डाल के सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा ये सारा डिटेल फिल करने के बाद, और उसके बाद थोड़ा वक्त लगेगा, ये खुल के आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को क्लोज़ करना है, क्लोज़ करने के बाद फिर से ये सारी चीज़ को आप लोग देखेंगे सही है कि नहीं है, अगर सही नहीं होगा तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, एडिट पे जाके एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं, लेकिन सही होगा तो सभी बॉक्स पे टिक करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे, और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट आप लोगों को करना होगा, ये सारा चीज़ देखते हुए चलेंगे। लेकिन इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से चेक कीजिएगा, नहीं होगा तो एडिट एप्लीकेशन फ्रॉम डाटा पे क्लिक करके जाके फिर से एडिट कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ सही है, आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो ये फाइनल सबमिट हो चुका है, यहाँ यस नो है, यस कर देंगे, उसके बाद ये खुल के आ गया। अब हम लोगों को अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम लोग डॉक्यूमेंट अब अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या आप लोग करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर, बस दो ही चीज़ लगेगा, और फ़ोटो और सिग्नेचर का जो केबी साइज है, जो साइज़ दिया गया है वो यहाँ आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने फ़ोटो सिलेक्ट करके और उसको जो है इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है, और सही से इसको सेट कीजिएगा ताकि फ़ोटो कटे नहीं, ठीक है। तो इसको सही से सिलेक्ट करके आप लोग डन पे क्लिक करेंगे और ये फ़ोटो आपका अपने आप क्रॉप उसी साइज़ में आ जाएगा जो साइज़ पे हम लोगों को अपलोड करना है यहाँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ये बहुत ही आसान है, कोई भी फ़ोटो का आपको इस तरह से दूसरे जगह से सिलेक्ट करने की या फिर क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिग्नेचर ले लेंगे और सिग्नेचर को भी उसी तरह बॉक्स के अंदर डाल के बढ़िया से, और उसको उसी साइज में ले आए हैं, ठीक है। डन पे क्लिक करेंगे और एक एक करके अपलोड कर देंगे, इसको बढ़िया से कीजिएगा ताकि सिग्नेचर भी नहीं कटे, ठीक है। ये सारा ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना, नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ध्यान से हम लोगों को करना होता है। तो ये सिलेक्ट करने में थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, समय हो गया, चलिए ये हो गया है, अपलोड कर देता हूँ। एक एक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड होने के बाद आप लोगों को इसको देख भी सकते हैं, ये देखिए अपलोड हो गया, यहाँ देख सकते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, फिर सिग्नेचर भी देख सकते हैं, ये सही अपलोड हुआ है, अगर गलत होगा तो फिर से कर लेंगे अपलोड पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस नो यस कर देंगे, ठीक है। यस करते ही ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब हम लोगों को करना है पेमेंट, सभी काम हो चुका है, अब एक एक करके रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो चुका है। अब हम लोगों को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है, जो कि ये लास्ट पड़ा होगा। अब पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करना है, चालान से करेंगे नहीं, हम ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक किए, उसके बाद आर यू शेयर, तो यस ओके कर देंगे, और उसके बाद यहाँ आएंगे, जो पेमेंट पार्टनर है उसको सिलेक्ट करके, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस पर सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे, और ये पेमेंट के लिए प्रोसीड हो चुका है। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डेबिट कार्ड से पेमेंट मैं करने जा रहा हूँ, आप लोग अलग अलग से भी कर सकते हैं, और उसके बाद सारा डिटेल इसमें फिल कर देंगे, कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपिरेशन डेट, CVV, फिर जो है सो कार्ड होल्डर का नाम, उसके बाद मेक पेमेंट करेंगे, प्रोसीड एंड पेमेंट पे क्लिक करके इस तरह से आएगा, OTP आया होगा आपके मोबाइल पे,
ओटीपी को यहाँ डाल के सबमिट कर दीजिएगा और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और सबमिट हो जाएगा। और ये हो चुका है, अब सब कुछ हो चुका है। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद इसको आप लोग अपने अपने मोबाइल में सेव रख लीजिएगा, प्रिंट आउट निकालना चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप लोग एकदम अपने मोबाइल से बिना एक पैसा खर्च किए हुए सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।